हेलो फ्रेंड्स, मैं सी अपनी जैन आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम इनकम टैक्स में फॉर्म 10E फाइल करेंगे। फॉर्म 10E अवेलेबल है अब फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए। तो आप सैलरी में आपको जो भी एरियर्स मिले हैं, या फिर हो सकता है कि आपको कुछ पेंशन के रिगार्डिंग ओल्ड सैलरीज करंट पीरियड में क्रेडिट हुई हो, उसके लिए आप यहां पर डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। तो हम यहां पर फॉर्म 10E डिस्कस करेंगे और यहां पर मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बता दूंगा कि आपको क्या इसमें फिल करना है। फॉर्म काफी आसान है, फॉर्म को भरना काफी इजी है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, इनकम टैक्स की वेबसाइट है www.incometax.gov.in, इस पर जाकर सबसे पहले लॉगिन कर लेना है। जैसे आपका पैन नंबर होता है, उसके थ्रू आप लॉगिन करेंगे। जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया होगा वो कर लेंगे। अगर आपने अभी तक पैन रजिस्टर नहीं किया, फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं, तो रजिस्टर पर जाकर रजिस्टर भी कर सकते हैं। चलिए मैं पहले लॉगिन कर लेता हूं यहां पर। उसके बाद आपको क्लिक करना है ई फाइलिंग के अंदर में इनकम टैक्स फॉर्म फाइल। इनकम टैक्स फॉर्म पर क्लिक करेंगे, यहां पर आपको फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, ये थ्री पेज यहां पर दिखाई देंगे। इसमें हम यह सेकंड पेज पर क्लिक करेंगे, यही आपको फॉर्म मिल जाएगा फॉर्म 10E। यहां पर फाइल नाउ पर क्लिक करना है और पूरा ये फॉर्म जो है ऑनलाइन फाइल होगा। एक भी चीज का आपको ध्यान रखना है, आईटीआर फाइल करने से आप पहले ही आपको इसको फाइल करना है, ये भी आप इसका बेनिफिट क्लेम कर पाएंगे। अब यहां पर आता है असेसमेंट ईयर 22-23, जिसका फाइनेंशियल ईयर 21-22, लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर की हम ये फॉर्म फाइल करेंगे। क्योंकि उससे पहले फॉर्म फाइल करना यहाँ पर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ड्यू डेट है वो ऑलरेडी जा चुकी है आईटीआर फाइलिंग की। अब लेटेस्ट ड्यू डेट जो है वो 22-23 के लिए यहाँ पर वैलिड है। जब तक कि अपडेटेड आईटीआर का कॉन्सेप्ट, जो जिसमें कि आप 2-3 सालों के रिटर्न एक साथ फाइल नहीं कर सकते, जब तक वो नहीं आ जाता, तब तक किसी भी प्रीवियस ईयर के लिए फॉर्म फाइल करने का बेनिफिट नहीं है। तो हम करंट ईयर के लिए फाइल करेंगे, फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए। लेट्स स्टार्ट पर यहाँ पर क्लिक करना है। अब यहां पर आपको काफी सारे ऑप्शंस यहां पर आएंगे। अब आप उसमें से करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। क्या करेक्ट ऑप्शन आपको यहां पर लेना है कि आपको कोई एरियर सैलरी मिली है, कोई पेंशन मिली है, या फिर हो सकता है कोई एडवांस सैलरी हो जिसके ऊपर आपका टैक्स की लायबिलिटी बन रही हो, बट लेकिन वो एडवांस है, नेक्स्ट ईयर की इनकम आपको पहले ही मिल गई। ग्रेच्युटी कंपनसेशन या फिर पेंशन कम्यूटेशन, इसमें से जो भी आपके पास वैलिड ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आपके ऊपर अप्लाइड होता है। जैसे आपको लमसम में कोई ग्रेच्युटी अमाउंट मिली है, तो वो आपकी करंट ईयर की इनकम की वजह से उसकी जो टैक्सेबल अमाउंट है वो काफी ज्यादा हो रही है और उस पर टैक्स काफी ज्यादा बन रहा है, उसके लिए आप सेक्शन 89 की रिलीफ क्लेम करना चाहते हैं, तो फॉर्म 10E के थ्रू क्लेम कर सकते हैं। सेम यही सारे ऑप्शंस हैं। हम कोई भी एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम एरियर सैलरी हम कर लेते हैं सेलेक्ट। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि पेंशन के लिए किस तरह करना है। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, जैसे आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नेक्स्ट फॉर्म आएगा। अगर हम कंपनसेशन के लिए करते हैं, यहाँ पर जो फॉर्म आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, कंपनसेशन कितना आपको रिसीव हुआ है, टोटल इनकम, तो उसके हिसाब से यहाँ पर हेड जो है वो चेंजेस हो जाते हैं। ज्यादातर जो केसेस बनते हैं वो बनते हैं यहाँ पर एरियर सैलरी के, तो मैं आपको वही वाला केस यहाँ पर बता देता हूँ अभी फिलहाल के लिए। बाकी फॉर्म भरना काफी ईजी है, सब पूरे फॉर्म ऑनलाइन फाइल करना है। ये बेसिक सी डिटेल्स है, ये आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एक बार चेक कर लेनी है, सारी डिटेल्स ओके आ रही है नहीं आ रही है, फिर डाटा को सेव कर देना। अगर सब कुछ ओके है, नेक्स्ट में हम फाइल करेंगे यहाँ पर डिटेल्स, और उसके बाद वेरीफाई करके सबमिट कर देंगे। ये तो बिल्कुल सिंपल सा वेरिफिकेशन का तरीका, इसमें तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या क्या पॉइंट्स कहाँ कहाँ पर एंटर करने हैं। फटाफट से देख लीजिएगा, काफी आसान है। इसके जो टैब्स हैं वो ध्यान रखिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे टैब्स हैं। कुछ तो टैब्स जो है हम फ्रीज हैं, इसमें आप वैल्यू एंटर नहीं कर सकते हैं, बाकी और टैब्स के अंदर आप वैल्यू एंटर कर सकते हैं। अब यहां पर आता है सबसे पहला पार्ट, हमें क्या करना है, जो टेबल बनी हुई है ना, इसके अंडर में हमें टेबल, सबसे पहले टेबल की वैल्यू एंटर कर लेनी है। इस पर ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर ऐड डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद हम यहां से एक एक ईयर वाइज ऐड करेंगे डाटा को। अब ईयर वाइज डाटा ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक एक्सेल फाइल तैयार कर लेनी है। अब एक्सेल फाइल तैयार करने के बाद उसमें क्या डिटेल्स एंटर करनी है, बिल्कुल आसान है, आप ध्यान से समझ लीजिए। ये वाली डिटेल्स आप यहां पर एंटर करें या डायरेक्ट फॉर्म में यहां पर एंटर करें, दोनों ही सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। बट लेकिन अगर आप एक्सेल में एक बार बना लेंगे तो यहां पर भरना बहुत ईजी होगा, 1-2 मिनट के अंदर अंदर ये फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। अगर अब यहाँ पे डिटेल्स नहीं बनाएंगे तो आपको दिक्कत आएंगी, डायरेक्ट भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट लेकिन बेटर है कि आप इस तरह से एक एक्सेल शीट बना लें। इसमें कुछ नहीं लिखना है, इसमें सिंपली आपको क्या डिटेल्स रखनी है कि आपकी
जिस साल का एरियर आया है उसकी ओल्ड कैलकुलेशन आपको एक बार देखनी है कि आपने कितनी टैक्सेबल सैलरी वहां पर दिखाई थी, क्या डिडक्शन क्लेम की थी और कितना टैक्स पे किया था। ये हमने वहां पर ओल्ड में टैक्स पे किया था उसकी डिटेल्स आ गई है जो मैंने यहाँ पर ये बोल्ड किया है, ठीक है। इस तरह से कि टैक्सेबल सैलरी कितनी, डिडक्शन कितनी थी, नेट टैक्सेबल सैलरी और टोटल टैक्स कितना लगा था। अभी जो टैक्स कैलकुलेट करना है ये भी बहुत आसान है, वैसे तो आप ITR में देख सकते हैं, बट इसका बेस्ट तरीका क्या है कि आप यहाँ पर ऑनलाइन जाएं, इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर इनकम टैक्स कैलकुलेटर अवेलेबल है, बस यहाँ से आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना है और टैक्स पेयर एज इंडिविजुअल पर्सन रेजिडेंट स्टेट डालने के बाद यहाँ पर सैलरी डाल देनी है, टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आएगा, कोई मेहनत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि मेरी करंट ईयर में मेरी जो टैक्सेबल सैलरी है वो कितनी है उसमें डिडक्शन नेट होने के बाद, और जो एरियर मिला है इस साल का एरियर मतलब 2021 का एरियर मुझे 21-22 में मिला है। यहाँ पर मैं 2021 और 21-22 का यूज कर लेता हूँ क्योंकि लेटेस्ट जो फाइनेंशियल ईयर है वो है 21-22। आप किसी भी साल के लिए यूज कर सकते हैं, इससे पहले कितने भी सालों का आपका एरियर आया हो वो फॉर्म में आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जब हम टेबल की बात कर रहे थे तो काफी सारे प्रीवियस ईयर यहाँ पर दिए गए हैं, हो सकता है कि आपका बहुत पुराना एरियर आया हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबके लिए फॉर्म अवेलेबल है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा इस एरियर के आने की वजह से टैक्स बन रहा है 71,240 रुपए। पर यहां पर एक पॉइंट और भी है कि अगर ये मेरा एरियर ना आया होता तो मेरी जो है नेट टैक्सेबल सैलरी 5 लाख तक है, 5 लाख तक तो कोई टैक्स ही नहीं पे करना होता, तो मुझे फिर टैक्स कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। इसी की वजह से मेरा 71,240 रुपए का टैक्स आ रहा है क्योंकि मेरा एरियर मुझे इस साल में मिला है। बट एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इस एरियर की वजह से ही ये पूरा टैक्स नहीं आया है, ध्यान से सुनिएगा, ये एरियर आने की वजह से मेरी जो टैक्स की लिमिट है वो मेरी 5 लाख से ज्यादा क्रॉस कर गई है, इसलिए मुझे टोटल टैक्स देना पड़ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं प्रीवियस ईयर की जो कैलकुलेशन है ये ओल्ड वाली, इसको मैं रिकैलकुलेट करूंगा यहाँ पर। तो अब मैं रिकैलकुलेट करूंगा तो मैं उसमें क्या करूंगा कि मेरी टैक्सेबल सैलरी कितनी थी, मेरी डिडक्शन कितनी मिली और एरियर कितना है, उसको मैं यहाँ पर ऐड कर लूंगा। मतलब अगर मुझे ये 1,80,000 रुपए यहाँ पर मिले होते तो मुझे कितना टैक्स पे करना पड़ता, तो मैं यहाँ पर निकाल रहा हूं, तो मुझे यहाँ पर देना पड़ता 51,480 का टैक्स मुझे देना पड़ता अगर मुझे ये वाला एरियर जिस साल का है उसी साल में मिला होता। पर मैंने टैक्स कितना पे किया है, मैंने किया है 14,040 रुपए। इसका मतलब डिफरेंस क्या है कि मुझे 37,440 का टैक्स तो फिर भी पे करना पड़ता। तो देखिए यहाँ पर मुझे पूरे 71,000 रुपए की छूट नहीं मिलेगी, मुझे जो छूट मिलेगी वो मिलेगी 33,800 रुपए की। अब हम ये जो फिगर्स है यहाँ पर हम पुट करेंगे इस वाले फॉर्म में, फटाफट से पुट कर लेता है ये, तो आपको अंदाजा मिल जाएगा कि इस तरह से एक्सेल में क्या करना है। अब यहाँ पर ये कह रहा है टोटल इनकम ऑफ द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, यहाँ पर टोटल इनकम मांग रहा है कि इस साल की टोटल इनकम क्या है, तो हम यहाँ पर एंटर करेंगे, फिर उसके बाद टैक्स एंटर करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एंटर किया है, यहाँ पर ये आप देखेंगे यहाँ पर लिख भी रहा है कि प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम आप डालिए जिसके लिए हमें यहाँ पर सैलरी मिली है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि सैलरी या पेंशन कितने रुपए की वैल्यू यहाँ पर मिली है, ठीक है। तो मैं भी इसको दोबारा से फीड कर देता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने वैल्यू एंटर कर ली है हमारी उस साल की जो फिगर्स है वो हमने एंटर कर ली है कि मुझे इतनी मेरी इनकम थी। देखिए यहाँ पर एक्सेल में मैं आपको क्रॉस वेरीफाई करा देता हूँ, यहाँ पर इतनी इनकम थी, इनकम के बाद इतनी यहाँ पर सैलरी मिली है जो कि एरियर है, एरियर सैलरी इतनी है, टोटल इतनी आ गई। एक चीज का ध्यान रखिएगा यहाँ पर डिडक्शन लेस करने के बाद आपको एंटर करना है, उस पर टैक्स इतना बनता था जो कि मैंने ऑलरेडी पे किया हुआ है, अब इतना टैक्स आ रहा है। ऐड पर क्लिक करूंगा तो मेरे ये फॉर्म सेव हो जाएगा, फॉर्म भरने में तो 2 मिनट भी नहीं लगनी है। अब यहाँ पर कह रहा है टोटल टैक्सेबल सैलरी इस साल की हमें सैलरी डालनी है, वो भी डिडक्शन लेस करने के बाद ही यहाँ पर एंटर करेंगे हम। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर टैक्स पेयर, तो मेरी जो इनकम आई है इस पर मेरा कितना टैक्स बन रहा है। ठीक है, तो मैंने ये वैल्यू यहां पर एंटर कर दी। अब ये कह रहा है कि टैक्स ऑन
टैक्सेबल इनकम एज पर सिस्टम कैलकुलेशन। तो ये वाला ऑप्शन हमें नहीं लेना है, जब हम आईटीआर फाइल करने के बाद ये फॉर्म भरते हैं तब ये ऑप्शन आता है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे। अब यहाँ पर मेरी ऑटोमेटिकली रिलीफ आप देख रहे होंगे कि मुझे टैक्स इतना देना था और यहाँ पर टैक्स आ रहा है, और नेट रिलीफ मेरी जो कि मैंने यहाँ पर एक्सेल में भी कैलकुलेट करके बताया था वो ऑटोमेटिकली आ गई है। इस फॉर्म में ऑटोमेटिकली इसलिए आई क्योंकि हमने फिगर सही तरीके से सेव किया, इसको डाटा को सेव कर लेंगे, उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे, सेव करेंगे और उसके बाद प्रीव्यू में जाकर एक बार चेक कर लेंगे क्या क्या प्रीव्यू में क्या क्या डिटेल्स आ रही है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर हमें जो रिलीफ मिलने वाली है वो इतनी मिलने वाली है, वो हमने देख लिया, ओके है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोसीड टू ई वेरीफाई कर क्लिक करेंगे और आधार ओटीपी से, डीएससी से, नेट बैंकिंग डीमेट अकाउंट किसी से भी आपको सबमिट कर देना है। इसमें जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, बिल्कुल आसान और सिंपल सा प्रोसेस है, इसके थ्रू आप वेरीफाई करके फॉर्म 10 ई फाइल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने जो वीडियो बनाई है उसमें टाइम की जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा हो सकती है क्योंकि यहाँ पर मैंने पूरा अच्छे से आपको क्लियरली बताया है, पर जब आप खुद से फाइल करेंगे तो ये 2 से 4 मिनट के अंदर अंदर आप फाइल कर लेंगे, पर लेकिन डिटेल्स आपको ऑटोमेटिकली खुद से क्रिएट करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर काफ़ी सारी वीडियोज मिलेंगी, ये मेरा चैनल है, यहाँ पर मैंने बेसिक रजिस्ट्रेशन को और कुछ कंप्लायंस पार्ट को, आईटीआर फाइलिंग को, जीएसटी फाइलिंग को कवर किया है। चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें पर वीडियो जरूर देखिए, वीडियो आपके बेनिफिट के लिए बनाई गई है। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।